एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल के सी आई टैली स्पेशलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मेरा जो टैली ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है पेरोल मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। टैली में कम्प्लीटली पेरोल का नॉलेज मैं दो वीडियो में दूंगा, बिकॉज वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, चूँकि पेरोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हमें डीपली बताना है, तो हम इसमें से कुछ भी इग्नोर नहीं करेंगे। तो वीडियो हम दो पार्ट में बनाएंगे, एक में हम आपको पेरोल के बारे में तथा पेरोल मास्टर क्रिएट कैसे किया जाता है उसके बारे में बताएंगे, तथा दूसरी वीडियो जो होगी हमारा पेरोल वाउचर से रिलेटेड होगी, तथा उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट्स होती हैं पेरोल की वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिना स्किप किए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें, बिकॉज इस चैनल पर आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज प्राप्त होती रहती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पेरोल मैनेजमेंट क्या है, टैली में हम पेरोल को कैसे यूज करते हैं। पेरोल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप देख लीजिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है पेरोल मैनेजमेंट इन tally.erp9, उसका मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और इनेबल कैसे करते हैं पेरोल को टैली में वो मैंने इसमें लिखा हुआ है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, जिससे आपको नोट्स वगैरह बनाना है आपको तो आप ये स्क्रीनशॉट आपको बहुत काम करेगा। तो हम देख लेते हैं पेरोल मैनेजमेंट इन tally.erp9। पेरोल सिस्टम कैन बी अडॉप्टेड इन द फॉर्म ऑफ ऑटोमेटेड सिस्टम दैट परफॉर्म्स एवरी एक्शन नीडेड बाय द पेरोल प्रोसेस। It helps in calculating the payable amounts and deductions very easily. It also helps in generating the pay slip in leisure time. Automated calculation result in no error. Data is validated automatically by the software. पेरोल प्रबंधन की मीनिंग अगर आप सरल भाषा में समझें, कर्मचारियों के वेतन, मजदूरी, बोनस, निवल वेतन और कटौतियों के वित्तीय रिकॉर्डों से संबंधित काम देखना पेरोल का मेन वर्क है। मध्यम और बड़े आकार के कॉर्पोरेट समूहों में मानव संसाधन विकास पेरोल का ध्यान रखता है, किंतु व्यवसायों में ऐसा नहीं होता क्योंकि उनके पास कोई अलग से मानव संसाधन विभाग नहीं होता। छोटी फर्मों में मालिक या कभी कभी प्रमुख प्रबंधनकर्ता पेरोल प्रणाली का काम संभालता है। किसी विषय की जानकारी का अभाव, विधिक अनुपालन के बारे में जानकारी की कमी और प्रत्यक्ष अनुभव की कमी छोटी फर्मों के लिए पेरोल प्रबंधन के काम को कठिन बना सकती है। कुछ संगठन पेरोल संबंधी कार्रवाई परंपरागत रूप से हाथ से करते हैं, जबकि कुछ उन्नत पेरोल कार्रवाई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके करते हैं। जैसे टैली सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंपनी का हम कोई भी पे स्लिप, कोई भी इम्प्लॉयज़ का कोई भी सैलरी डिटेल या कुछ भी उसमें जो भी एक्स्ट्रा अलाउंस वगैरह होते हैं तो उसको हम ऐड करके पेरोल के माध्यम से बहुत ही स्वचालित ढंग से उसको हम काम कर लेते हैं, और इसका जो कैलकुलेशन होता है वो बहुत ही एक्यूरेट होता है। तो ये सरल भाषा में आपने थोड़ा सा पेरोल के बारे में जाना। आप देखें इनेबल हम कैसे करते हैं टैली में, पेरोल को हम एक्टिवेट कैसे करते हैं, हालांकि मैं भी इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आप लोगों को। आप देखें इनेबलिंग पेरोल इन tally.erp9, गो टू गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली में हम जाते हैं, F11 आप जान रहे हैं फीचर्स का शॉर्टकट होता है, F11 के साथ F1 हम प्रेस करते हैं अकाउंटिंग फीचर्स में जाने के लिए और पेरोल को एक्टिवेट करने के लिए। मेंटेन पेरोल को हम यस करते हैं और उसी के नीचे एक ऑप्शन होता है मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, इस ऑप्शन को भी हम यस कर लेते हैं, बिकॉज कॉस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए इस ऑप्शन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमें स्टेटरी भी मैनेज करना है, टैक्सेशन डिटेल भी देना है, तो गो टू गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, F11 फीचर्स को ओपन करेंगे और उसमें हमें F3 प्रेस करके स्टेटरी एंड टैक्सेशन फीचर्स पर जाएंगे और वहाँ से हम इनेबल पेरोल स्टेटरी को यस करेंगे तथा सेट एल्टर पेरोल स्टेटरी डिटेल्स को भी यस करेंगे। और जब इसे हम यस करेंगे तो इससे रिलेटेड उसकी सेटिंग्स आ जाएंगी, पेरोल में जो स्टेटरी डिटेल्स हमें फिलअप करना है वो आ जाएगा, फिर वहाँ से हम उसको फिल करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये है इनेबल करने का प्रोसेस। तो चलिए हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली पेरोल को हम टैली में इनेबल कैसे करते हैं और पेरोल रिलेटेड मास्टर्स हम कैसे क्रिएट करते हैं। देखिए हम आ चुके हैं टैली के मेन विंडो पर और आपके सामने गेटवे ऑफ टैली ओपन है और इसमें मैंने पेरोल मैनेजमेंट करके एक एग्जांपल में कंपनी बना के रखा हुआ है और इसके ही अंतर्गत हम आप लोगों को आज पेरोल मैनेजमेंट से रिलेटेड सारा मास्टर क्रिएट करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम फीचर्स में जा कर के पेरोल को एक्टिवेट कर लेते हैं, फीचर्स पर क्लिक करेंगे और हम अकाउंटिंग फीचर्स में चले जाएंगे और यहाँ आप देख पा रहे हैं हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ
कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट मीनू है, जिसमें मेंटेन पेरोल को हम यहां से यस करके एंटर करेंगे और नीचे हम आ जाएंगे, ऑप्शन है मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, यहां से हम इसको यस कर लेंगे, एंटर करते हैं और इसको हम कंट्रोल ले करके सेव कर लेंगे। हम बैक आ जाएंगे और इसमें हम स्टेटरी एंड टैक्सेशन पर जाकर के एंटर करेंगे, बिकॉज पेरोल रिलेटेड हमें टैक्सेस को भी इनेबल करना होता है, तो हम यहाँ से एंटर करते हुए नीचे आ जाते हैं और यहाँ इनेबल पेरोल स्टेटरी को हम यहाँ से यस करते हैं, एंटर करते हैं और हम सेट अल्टर पेरोल स्टेटरी डिटेल्स को भी यस कर लेते हैं और यहाँ से एंटर करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं पेरोल स्टेटरी डिटेल्स का एक डायलॉग आ गया, जिसमें प्रोविडेंट फंड के लिए हमें उसका कंपनी कोड डालना है। तो मान लीजिए कंपनी आपकी अयोध्या में है, हमने एक कोड फॉर्मेट यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, ये आपका ग्रुप कोड है, इसको आपने यहाँ प्रोवाइड कर दिया। कंपनी का जो सिक्योरिटी कोड होगा वो भी आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, सिक्योरिटी कोड आप यहाँ पर दे देंगे, जो भी आपका सिक्योरिटी कोड होगा उसको आप यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे कंपनी का। फिर ईएसआई के लिए जो इम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस होता है उसके लिए भी हम यहाँ पर अपना कंपनी का कोड प्रोवाइड करेंगे, वो हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। ईएसआई ब्रांच ऑफिस आपकी कहाँ पर अवेलेबल है, तो अयोध्या में है, अयोध्या हमने डाल दिया। और स्टैंडर्ड वर्किंग डेज पर मंथ, पर मंथ में आप जो 26 डेज होते हैं वो आपके वर्किंग डेज माने जाते हैं, हर महीने में 26 डेज वर्किंग स्टैंडर्ड वर्किंग डेज होते हैं, बिकॉज 4 संडे मंथ में निकल जाता है। आपको नेशनल पेंशन स्कीम, देखिए जो चीज़ें आपकी कंपनी देती होगी वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक्टिवेटेड करना है, वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। अब ये सारी सेटिंग्स करने के बाद हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, एंटर करते हुए सेटिंग को हम सेव कर लेंगे। अब हम चल के देखते हैं गेटवे ऑफ टैली के मेन मेनू में, हम मास्टर्स के अंतर्गत आप देखें तो पेरोल इन्फो यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल गया। अभी तक आप जितनी भी पीछे मेरी क्लासेस आपने देखा है उसमें पेरोल इन्फो आपको मास्टर में नहीं मिला हुआ था, बिकॉज जब तक हम इसके फीचर को एक्टिवेट नहीं करते हैं तब तक वो हमें प्राप्त नहीं होता है। पेरोल इन्फो में हम आते हैं, एंटर करते हैं, आप देखें इसमें पेरोल इन्फो के ऑप्शंस हैं, एम्प्लॉय कैटेगरीज, एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉयज, यूनिट वर्क, अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप, पेहेड, सैलरी डिटेल, इनकम टैक्स डिटेल, वाउचर टाइप एंड क्विट। तो हमें यहाँ पर ये मास्टर्स क्रिएट करना है, जिसमें हम सबसे पहले अगर हमारे पास एम्प्लॉयज़, कई टाइप के एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी अलग अलग तरीके की कैटेगरी से मैनेजर हैं, क्लर्क हैं, सेल्स डिपार्टमेंट है, अकाउंट डिपार्टमेंट है, अलग अलग टाइप का डिपार्टमेंट है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक कैटेगरी क्रिएट करना चाहें, अगर नहीं करना चाहते हैं तो प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी में हम दे सकते हैं। जैसे हमारे पास मैनेजर है तो मैनेजर में कई सारे टाइप के मैनेजर हैं, जैसे असिस्टेंट मैनेजर हैं और एचआर मैनेजर हैं, कई टाइप के मैनेजर हैं, तो हम उसको यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम कैटेगरी नहीं क्रिएट करना चाहते हैं तो हम प्राइमरी कास्ट कैटेगरी करके छोड़ सकते हैं, बट यहाँ मैं आपको क्रिएट करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ हम एंटर करते हैं और क्रिएट पे चले जाते हैं, यहाँ हमने डाल दिया मैनेजर, मैनेजर मैंने डाल दिया, रेवेन्यूज को भी हम यस करेंगे और नॉन रेवेन्यू एलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम को भी हम यस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। हम बैक आ जाते हैं, अब हम चलते हैं एम्प्लॉय ग्रुप बना लेते हैं, एम्प्लॉय ग्रुप बनाना है तो हम यहाँ पर एंटर करते हैं और क्रिएट करते हैं। आप ध्यान देंगे एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएशन में सबसे पहले कैटेगरी को चुनने के लिए आ गया है, तो इसलिए कैटेगरी हमें पहले बना के रखना होगा, अगर कोई कैटेगरी हमारे पास अवेलेबल है तो। हमने मैनेजर कैटेगरी डाल दिया और हमने यहाँ डाल दिया एचआर मैनेजर, यहाँ हमने एचआर डाल दिया, प्राइमरी अंडर में हमने प्राइमरी ही करा, एंटर किया। अगर हमें यहाँ डिफाइन करना है सैलरी डिटेल तो हम यहाँ यस करते हैं, बट यहाँ पर हम सैलरी डिटेल को एस नहीं करते हैं, बिकॉज अभी हमें पेहेड वगैरह क्रिएट करना है, फिर हम सैलरी डिटेल्स डाल पाएंगे, तो हम यहाँ से एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम एक टेक्निकल मैनेजर बना ले रहे हैं, हमने एक टेक्निकल मैनेजर मैनेजर के अंतर्गत हमने बना लिया, यहाँ पर प्राइमरी ही डालेंगे और यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। बैक करके आ जाते हैं, हमने एम्प्लॉय ग्रुप बना लिया, अब हमें एम्प्लॉय बनाना है, एम्प्लॉय पर जाएंगे, क्रिएट करेंगे, यहाँ पर हम कैटेगरी चुनेंगे और कैटेगरी में हमने मैनेजर डाल दिया और यहाँ पर हम नेम डालते हैं, रजत सिंह हमने डाल दिया, एंटर किया, हमने डिस्प्ले नेम रिपोर्ट में रजत सिंह शो कर गया और इनका जो अंडर ग्रुप होगा हमने इनको डाल दिया एचआर मैनेजर। हम यहाँ ज्वाइनिंग डेट प्रोवाइड करेंगे, मान लीजिए कंपनी पहले से चल रही है और फिर अप्रैल से इसका स्टार्ट है, तो 1 अप्रैल हम कर देंगे,
सैलरी डिटेल अभी भी हम यहाँ नहीं देंगे, एम्प्लॉय नंबर पे हम आते हैं, 02 है इनका मान लीजिए एम्प्लॉय नंबर। डिजिग्नेशन पद जो है इनका मैनेजर है, फंक्शन इसका मैनेजिंग करना है, मैनेजिंग वर्क है इनका। लोकेशन है इनका अयोध्या, अयोध्या डाल दिया। जेंडर में मेल कर दिया। ये कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं भरनी है। देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर आपको शो कर रही हैं। अगर कंपनी मेरी जैसे पासपोर्ट वीज़ा डिटेल या कॉन्ट्रैक्ट डिटेल, अगर जिस टाइप का आपका एम्प्लॉय हुआ, क्योंकि कोई भी चीज़ हमने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वर्क करना है, किसी को हमने ठेका दिया है या किसी चीज़ का, फॉरेन कंट्रीज़ में हमें जो कंपनीज होंगी उनमें जो अदर कंट्रीज से आए हुए एम्प्लॉयज़ होंगे उनका पासपोर्ट एंड वीज़ा डिटेल उनको डालना पड़ेगा। तो ये इन्फॉर्मेशंस अगर आपको नहीं दिखती हैं तो यहीं पर हम F12 करके इसको यहाँ से हम एक्टिवेट कर सकते हैं, अगर ये सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं तो। तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें यहाँ से एक्टिवेटेड हैं। अगर ये एक्टिवेट नहीं है तो आप देखें पासपोर्ट वीज़ा डिटेल नो रहेगा, अगर हमें नहीं रखना है तो हम नो कर दें, बट हम यहाँ से यस करके आपको दे दिए हैं, सामने आपके सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो हमें कोई ज़रूरी नहीं है जो दिख रहा है उसको हमें करना पड़ेगा। तो जैसा आपके कंपनी में यूज़ है उसी प्रकार से आप इसमें इंफॉर्मेशन सबमिट करेंगे। हम इनका डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड कर दे रहे हैं, हमने दे दिया डेट ऑफ बर्थ, फॉर्मेट ही आपको देना पड़ेगा। ये हमने मेल आईडी प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पर बैंक डिटेल हमें सबमिट करना है, बिकॉज बैंक में हमें एम्प्लॉय को सैलरी देना है, तो यहाँ पर हम यस करेंगे। तो इनका बैंक डिटेल होना बहुत ज़रूरी है, हमने बैंक डिटेल प्रोवाइड कर दिया। इसमें ट्रांजेक्शन्स जो हमें करना है, ई फंड ट्रांसफ़र्स करना है, तो यहाँ पर हम इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। इनका जो भी इनकम टैक्स डिटेल वगैरह है इसको हमें फिल करना है, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए आप इसको फिल कर लीजिएगा, बिकॉज इसमें पैन है, यूएएन है, आधार, पीएफ, सारा डिटेल आपको यहाँ पर फिल करना होगा। एंटर करते हुए हम आ जाएंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने एम्प्लॉय बना लिया। एक एम्प्लॉय नेम मैं और बना ले रहा हूँ, मैनेजर मैंने डाल दिया, महेश नाम डाल दिया यहाँ पर। यहाँ पर उनका पोस्ट डाल देंगे और यहाँ पर उन जो भी इनका डिटेल है, एम्प्लॉय कोड है, और सारी चीज़ें उसी तरीके से हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे। हम यहाँ पर एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से सारी जो इन्फॉर्मेशंस आपको भर देनी होगी उसको आप देख लीजिएगा। बैक करके आते हैं, नेक्स्ट हम आते हैं, यूनिट हम बना लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। यूनिट जिसे हमें सैलरी देनी है, तो सैलरी के लिए हमें क्या करना होगा, एचआर बनाना होगा, एचआरएस करके, या एचआर बना लेंगे आवर्स के लिए, घंटा बना लेंगे, घंटे का साइन होगा एचआर जो सिंबल होगा आपका। फिर हम यहाँ मिन्स कर लेंगे मिनट्स के लिए, मिनट्स के लिए बना लिया। एक हम कंपाउंड यूनिट बना लेंगे। कंपाउंड यूनिट कैसे बनती है, हमारे पास दो यूनिट है, घंटा और मिनट, तो हम एक घंटे में कितने मिनट होते हैं वो हम कंपाउंड यूनिट के साथ उसको हम बना लेंगे। तो ये एचआर हो गया 1 आवर के लिए और एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो उसको हम यहाँ पर जा करके बना लेंगे। तो एक कंपाउंड यूनिट भी हम इस तरह से बना सकते हैं। तो यूनिट क्रिएट हो गई हमारी। अब हम चलते हैं अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन में जा करके अटेंडेंस टाइप बना लेंगे। हमने अटेंडेंस में बना लिया एबसेंट, एबसेंट बना लिया। जो एबसेंट होगा उसका अटेंडेंस टाइप होगा लीव विदाउट पे होगा। छुट्टी जो मिलेगी एबसेंटी पर आपको विदाउट पे रहेगी एबसेंटी, कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। हम दो ही बना ले रहे हैं, इसी तरीके से आपको बनाना होगा। हम यहाँ पर प्रेजेंट बना लेते हैं, प्रेजेंट, प्रेजेंटी के लिए अटेंडेंस लीव विद पे। यहाँ पर जो आपका अटेंडेंस टाइप होगा उसमें अटेंडेंस लीव विद पे करेंगे, बिकॉज अटेंडेंस होगा जिस पर पेमेंट आपको मिलता है, या कुछ ऐसी लीव्स होती हैं जिस पर पेमेंट आपको मिलता है, तो डायरेक्टली मैं उसका प्रेजेंट बना ले रहा हूँ। जो आपको सिक लीव या जैसे भी लीव आपको मिलता है, हम एक ओवर टाइम बना ले रहे हैं। और ओवर टाइम जो किया जाता है कंपनी में, हालांकि मैनेजर पोस्ट मैंने दिया है, ओवर टाइम मैं आपको एज एग्जाम्पल ही मैं आपको बता ही रहा हूँ, तो सारे हेड्स मैं क्रिएट करना आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ प्राइमरी रखेंगे और यहाँ हम प्रोडक्शन कर लेंगे। देखिए जितना प्रोडक्शन, जितने घंटे आप ओवर टाइम करोगे उस पर आपको सैलरी बनेगी उतनी। तो प्रोडक्शन हम यहाँ डाल देंगे और यहाँ पर हम एचआर ऑफ 60 मिनट्स, ये हम कंपाउंड यूनिट यहाँ पर चुन लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। हम बैक आ जाएंगे, यहाँ से हम पेहेड क्रिएट करते हैं। पेहेड बहुत ही ज़रूरी ऑप्शन है, पेहेड क्रिएट करना। पेहेड क्रिएट करेंगे यहाँ से हम, पेहेड में बेसिक पे, बेसिक पे आपने बनाया सबसे पहले। बेसिक पे में हम अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, यहाँ पर हम वेरिएबल्स डाल देंगे
और यहाँ ये जो सैलरी होती है वो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसलिए हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल देंगे। अफेक्ट नेट सैलरी में हम यस करेंगे। और ये है नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप। पे स्लिप में कौन सा नाम शो करेगा इसका, तो बेसिक पे ही शो करेगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं यूज़ फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी, बेसिक पे के हिसाब से ही ग्रेचुटी प्रोवाइड की जाती है, तो उसको हम यस करके रखते हैं। सेट अल्टर इन इनकम टैक्स डिटेल में हम यहाँ पर यस करते हैं, और इनकम टैक्स डिटेल यदि हमें प्रोवाइड करना है तो हम यहाँ पर उसको दे सकते हैं। जो भी फुल टैक्सेशन अमाउंट है, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी, उस पर प्रोवाइड करा जाएगा। और TDS को भी डिडक्ट करना है तो यस, अगर कंपनी में ये फॉर्मेट यूज़ होता है तो। और यहाँ पर हम दे देंगे आपका जो बेसिक पे बनता है वो आपके अटेंडेंस पर बनता है, तो ऑन अटेंडेंस करेंगे। और यहाँ प्रेजेंटी पर आपका बेसिक पे होता है। और यहाँ पर एक चीज़ का आप विशेष ध्यान देंगे, कैलकुलेशन पीरियड में कभी भी डे नहीं करिएगा, क्योंकि जो आप 15 जो भी बेसिक पे होगा, मान लीजिए 4,000 रुपये बेसिक पे है, तो वो पूरा 4,000 पर डे के हिसाब से जुड़ जाएगा। तो यहाँ हमें मंथ सेट करना है, ये विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर मंथ्स करके, और ये यहाँ पर हम एज पर करंट कैलेंडर पीरियड, जो अटेंडेंस बेसिक कैलकुलेशन जो होगा वो एज पर कैलेंडर पीरियड हम करेंगे, बिकॉज कैलेंडर पीरियड के हिसाब से इसको दिया जाएगा। अगर राउंडिंग में नॉर्मल मेथड यूज़ करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल राउंडिंग दे सकते हैं, जिससे दशमलव में आपका अमाउंट नहीं आएगा। हम दूसरा बना ले रहे हैं HRA, HRA हाउस रेंट अलाउंस, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ हो जाएगा, ये भी वेरिएबल होगा। यहाँ पर भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, एंटर करेंगे, HRA करेंगे, ग्रेचुटी को यहाँ नो रखेंगे। अगर आपका टैक्स स्पर्स भी डिडक्ट कराना है तो बार बार आपको इसको यहाँ से प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो भी आपका ऑप्शन होगा। इसको हम एक्सेप्ट करके चले जाएंगे। तो एक विशेष ध्यान देंगे आप यहाँ पर, एक ऑप्शन जैसे यहाँ पर हमने यस कर दिया, हम यहाँ पर एज अ कंप्यूटर, चूंकि जो हमारा HRA होगा वो सैलरी के बेसिस पर होगा, तो HRA हम एज अ कंप्यूटेड वैल्यू करेंगे। और यहाँ पर हम राउंडिंग को नॉर्मल कर दे रहे हैं। यहाँ पर अब देखें, कंप्यूट करने का मतलब ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लेगा जो यहाँ फॉर आप सेट कर देंगे। तो यहाँ पर हम ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला भी प्रोवाइड कर सकते हैं, या ऑन करंट अर्निंग टोटल, जो आपका करंट अर्निंग होगा उस पर ये पे डिडक्ट करेगा। तो यहाँ पर हम दे देते हैं ऑन करंट अर्निंग टोटल, एंटर करते हैं। यहाँ हम अमाउंट प्रोवाइड करते हैं, मान लीजिए अगर आपका कंप्लीट अर्निंग पॉइंट जो बन रहा है 10,000 है, यहाँ पर परसेंटेज प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए जो HRA बनेगा ये 20% बन रहा है मान लीजिए, और उससे ऊपर चाहे जितना हो, हम दो ही स्लैब बना रहे हैं यहाँ पर, स्लैब जो है हम दो ही स्लैब दे रहे हैं, उससे जितना भी ऊपर चाहे जितना होगा उस पर 40% आपका HRA बनेगा। एक्सेप्ट कर लेते हैं, एज एग्जाम्पल फॉर्मेट है। इसी तरीके से हम DA कर लेते हैं, DA बोलते हैं डेयरनेस अलाउंस। डेयरनेस अलाउंस मतलब होता है महंगाई भत्ता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अलाउंस है, बिकॉज इस पर ही सैलरी डिपेंड कर जाती है। सैलरी का जो अमाउंट बढ़ता है वो डेयरनेस अलाउंस उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही जाएंगे, यहाँ पर हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर अगर हमें प्रोवाइड करना है तो वही हम यहाँ पर जो अमाउंट होगा वो आप यहाँ से देंगे, और इसको भी हम कंप्यूट ही कर लेंगे। देखिए वैल्यू अगर हम देंगे तो वैल्यू में हमें अमाउंट प्रेषित करना पड़ेगा, बट अगर हम परसेंटेज देते हैं तो परसेंटेज इस स्लैब के आधार पे वो ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लेगा। हमने यहाँ दे दिया 45% हमने डेयरनेस प्रोवाइड किया, और इससे ऊपर यदि कोई है तो 65% तक DA प्रोवाइड किया जाता है। एक्सेप्ट कर लिया, एक एज एग्जाम्पल फॉर्मेट। इसी तरीके से स्लैब कंप्यूट कराए जाते हैं, ऑप्शंस को डिडक्ट कराया जाता है। एंटर कर लेते हैं, सेम इसी फॉर्मेट में हम अदर भी बनाते चले जाते हैं। हम यहाँ से TA बना लेंगे, या कन्वेंस कह लीजिए, या TA, TA होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, या कन्वेंस आप कह सकते हैं, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ हो गया, 30% प्रोवाइड कर देते हैं कन्वेंस। एंटर करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम ओवर टाइम बना लेते हैं, ओवर टाइम के लिए जो आपका प्रोडक्शन होगा उस पर आपका डिडक्ट करेगा, तो इसका भी पे हेड किया जाएगा, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़, ये फिक्स नहीं होता है, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। एंटर करते हुए एक्सेप्ट आ करते आते हैं, और यहाँ पर आप ऑन प्रोडक्शन करेंगे, बिकॉज आपके प्रोडक्शन पर ही ये डिडक्ट करता है, और इसको हम इस तरह से एक्सेप्ट कर लेंगे। हमें ग्रेच्युटी वगैरह बनाना है तो हम बना लेंगे। एक हम PF और ESI पे हेड भी बना ले रहे हैं। देखिए PF पे हेड हम बना लेंगे, PF में एंटर करते हुए आएंगे। यहाँ पर आपका होगा एम्प्लॉय स्टेटरी डिडक्शन पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पर अपना हम
पीएफ प्रोविडेंट फंड अकाउंट जो हमारा होगा उसे हम प्रोवाइड करेंगे अंडर ये आपके चूंकि लाइबिलिटीज़ है तो लाइबिलिटी में इसको प्रोवाइड करेंगे और यस करते हुए हम एंटर करते हुए चले जाते हैं और ये हम सेटिंग यहाँ पर दे देते हैं। यहाँ पर परसेंटेज में हमने 12% दे दिया, हम दोनों का 12% ही देना चाहते हैं तो हम एक ही स्लैब बना करके छोड़ दें एक्स्ट्रा अगर हमें ना देना हो, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम ईएसआई का बना लेते हैं, ईएसआई मान लीजिए 2% है, ये भी आपका स्टेटरी डिडक्शन में आ जाता है तो यहाँ पर स्टेटरी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस यहाँ से हम चुनेंगे और यहाँ अंडर पे हम जाएंगे एक स्टेट इंश्योरेंस है तो ये टैक्सेस में हम नहीं डालेंगे, लाइबिलिटीज़ में हम डाल देंगे और एक्सेप्ट करते हम आ जाएंगे। मान लीजिए इस पर 2% ही डिडक्ट करता है तो हम इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे 2% में और इससे ऊपर जो भी सैलरी होगी सब में 2% आ जाएगा डिडक्ट करके। प्रोफेशनल टैक्स बना लेते हैं, प्रोफेशनल टैक्स का हमने बना लिया, प्रोफेशनल टैक्स में हम भी वही डालेंगे स्टेटरी डिडक्शन, यहाँ पर हम प्रोफेशनल टैक्स पर आज चुन लेते हैं यहाँ से आपका स्टेटरी जो पे टाइप होगा और यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर यदि कुछ अवेलेबल है तो पहले से हम देंगे, ये हमारा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में चला जाएगा। एंटर करते हैं और ये मंथली होता है इसका, कंप्यूटेड ही हम कराएंगे। अमाउंट अप टू में दे देते हैं 10,000 और जो स्टेटेड डिडक्शन है मान लीजिए 5% डिडक्ट कर रहा है, हम इसको परसेंटेज में जा करके वही 5% यहाँ भी प्रोवाइड कर देंगे, जब सेम रेट है तो ऑटोमेटिक ये डिडक्ट कर देगा, एक्सेप्ट कर लिया। तो ये कुछ हमने पे हेड यहाँ से क्रिएट कर लिए। अब हमें बनाना है सैलरी डिटेल, सारा मास्टर हमने आप देखा आपने एम्प्लॉय कैटेगरी बना लिया, एम्प्लॉय ग्रुप बना लिया, एम्प्लॉयज़ बना लिया, यूनिट बना लिया, अटेंडेंस प्रोडक्शन बना लिया, पे हेड बना लिया। अब हम सैलरी डिटेल मैनेज कर लेते हैं, हम यहाँ से चलते हैं डिफाइन करते हैं सैलरी डिटेल। हम सैलरी डिटेल दोनों पर प्रेषित करेंगे, हम एचआर मैनेजर का पहले बना ले रहे हैं। एचआर मैनेजर में हमने इफेक्टिव फॉर्म दिया है 1/4/2020, जो डेट इफेक्टिव है इसमें हम सबसे फर्स्ट बेसिक पे ले लेते हैं और यहाँ हमने इनका बेसिक पे डाल दिया 15,000 रुपये, बेसिक पे हो गया इनका। आप देखेंगे हम यहाँ पर डीए सेट कर देंगे, जो चूंकि जो कंप्यूट करा दिया गया वैल्यू ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लेगा उसकी बेसिक पे के ही हिसाब से, तो यहाँ हमने इसको दे दिया। ओवर टाइम जो है वो 500 रुपये घंटे चलेगा इनका, मान लेते हैं, एंटर करते हैं। ईएसआई हम प्रोवाइड कर देंगे, पीएफ प्रोवाइड कर देंगे, टीए प्रोवाइड कर देंगे और प्रोफेशनल टैक्स ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। एक का मैंने यहाँ से बना लिया और एचआर में आपके रजत सिंह थे, इस पर हम जाएंगे। एक सेटिंग होती है यहाँ पर, यहाँ से आप 12 करेंगे तो अगर हम इसको कॉपी करना चाहते हैं तो यस करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जैसे हम यहाँ जाएंगे एंटर करेंगे तुरंत कॉपी फॉर पेरेंट वैल्यू जो आपने डाल रखा है वही पेरेंट वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी, इसको हमें एक्सेप्ट कर लेना होगा। सेम वैल्यू चूंकि एचआर मैनेजर में रजत ही थे, हम चलते हैं टेक्निकल मैनेजर का बना लेते हैं। इस यहाँ पर हम करते हैं स्टार्ट रिफ्रेश, हमें बनाना है, हमें बेसिक पे करना है, बेसिक पे मान लीजिए इनका 10,000 रुपये है, एंटर करते हैं। डीए दे देते हैं, एचआरए दे देते हैं, टीए दे देते हैं, ओवर टाइम प्रोवाइड कर देते हैं। ओवर टाइम इनको जो मिलेगा 300 रुपये घंटे मिल रहा है मान लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पर पीएफ दे देंगे, ईएसआई दे देंगे, प्रोफेशनल टैक्स दे देंगे। इस तरह से जो भी आपका पे हेड है उसको आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। हम चलते हैं महेश कुमार को बना लेते हैं और महेश कुमार में भी वही डेट डालेंगे जो चूंकि हम सेम चीज़ को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं और यहाँ पर हम जाएंगे कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू, तो जस्ट वही वैल्यू आपकी आ जाएगी जो आपने दे रखा था और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे और हम आ जाते हैं अपने मेन विंडो पर। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि पेरोल क्या है, पेरोल का कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको, पेरोल को इनेबल कैसे करते हैं, पेरोल रिलेटेड जो मास्टर्स कैसे बनाए जाते हैं, सैलरी डिटेल्स कैसे बनाया जाता है, वो सारा कुछ मैंने इसमें आप लोगों को बताया। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारा पेरोल पार्ट टू का जो वीडियो नेक्स्ट आएगा उसको आप जरूर देखें, बिकॉज यदि आप उसको देखेंगे तभी आपको कंप्लीट नॉलेज हो पाएगा पेरोल का। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।